बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो एफएससी केमिस्ट्री पार्ट वन का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है. द नेम ऑफ द टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ एटम और चैप्टर का जो नेम है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स. इस होल केमिस्ट्री के अंदर जो आपने केमिस्ट्री पढ़नी है वो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री है. वो कौन सी केमिस्ट्री है? फिजिकल केमिस्ट्री. और फिजिकल केमिस्ट्री के सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो इसी चैप्टर के अंदर क्या है, मर्ज है. सो अगर आपको ये चैप्टर पूरे का पूरा तैयार है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको पूरी बुक में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या कोई इशू नहीं होगा. सो हम लोग वन बाय वन करके इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को फाइनलाइज करेंगे. जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने जाएंगे वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एटम. लेक्चर फ्लो आप लोगों के सामने लिखा हुआ है. इस लेक्चर फ्लो के अंदर आपको डिफरेंट हेडिंग्स नज़र आ रही होंगी. ये सारी की सारी हेडिंग्स इसी कॉन्सेप्ट से बिलोंग करेगी. हम लोग सारी की सारी हेडिंग्स को वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है वो सारे का सारा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा. सो लेट्स सी. सबसे पहली बात हम लोग हिस्ट्री ऑफ एटम के मुतालिक पढ़ेंगे. दूसरे नंबर पर हम लोग एटम की डेफिनेशन के मुतालिक पढ़ेंगे. तीसरे नंबर पर हम लोग बात डिस्कस करेंगे एविडेंस ऑफ एटम. चौथे नंबर पर हम लोग डिस्कस करेंगे एविडेंस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप. पांचवें नंबर पर डिस्कस करेंगे एविडेंस बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. और छठे नंबर पर डिस्कस करेंगे एक्सरेज वर्क इन द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम, कि एक्सरेज का क्या वर्क है, एक्सरेज टेक्नोलॉजी का क्या वर्क है एटम के मामले में. सो वन बाय वन करके हम लोग इन हेडिंग्स को कवर करते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट्स, हिस्ट्री ऑफ एटम. फर्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एटम. जो एटम का कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट ग्रीक से बिलोंग करता है, ग्रीक फिलोसोफर से. ठीक है. सो द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम वॉज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर. और जो ग्रीक फिलोसोफर ने कॉन्सेप्ट डिलीवर किया वो है डेमोक्रिटस. जी, ये वो फिलोसोफर है जिसने एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले दिया कि व्हाट इज एटम. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस, ऑल मैटर इज कंपोज्ड ऑफ According to Democritus, सारे के सारे जो मैटर है वो स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं. और ये इंडिविजिबल पार्टिकल आप लोगों के पास किसी भी मैटर का सबसे छोटा यूनिट है, विच कैनॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड. ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डेमोक्रेटिस ने. और इन इंडिविजिबल पार्टिकल्स को जो नाम दिया गया वो था एटमोस. ये वो नाम है जो कि डेमोक्रेटिस ने दिया था. किसको? मैटर के इंडिविजिबल पार्टिकल को. ठीक है. और इन्होंने जो नाम दिया था वो था एटमोस. और ग्रीक लैंग्वेज में किसी भी इंडिविजिबल चीज को क्या बोला जाता है? एटमोस. सो लेकिन हम लोग जो वर्ड केमिस्ट्री में इस्तेमाल, दिस इज ग्रीक वर्ड, ग्रीक वर्ड मीनिंग इंडिविजिबल, मीनिंग इंडिविजिबल. बट जो वर्ड हम लोग केमिस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं वो एटमोस का इस्तेमाल नहीं करते. हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो है एटम का. और एटम वर्ड बिलोंग करता है इंग्लिश लैंग्वेज से. सो फर्स्ट हेडिंग में आप लोगों ने क्या डिस्कस किया? फर्स्ट हेडिंग में जस्ट आपने ये बात बोली कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ एटम है ये कहां से आया. कॉन्सेप्ट ऑफ एटम आया ग्रीक से. किस फिलोसफर ने दिया था, किस पर्सन ने दिया था? उसका नाम है डेमोक्रेटिस. क्या बोला था इसने एटम के मुतल्लिक? कि जितना भी मैटर है,
जो भी इस दुनिया का मैटर है वो सारे का सारा आप लोगों के पास स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है, और उसमें से जो सबसे जो छोटा इंडिविजिबल पार्टिकल है वो फर्दर सब डिवाइडेड नहीं हो सकता, छोटे छोटे यूनिट्स में मज़ीद नहीं बढ़ सकता, वो सब यूनिट आप लोगों के पास क्या कहलाता है, आप लोगों के पास एटमॉस कहलाता है। एटमॉस ग्रीक वर्ड है और उसका इंग्लिश में जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो क्या है, इंडिविजिबल। बट जो हम लोग नॉर्मली केमिस्ट्री में जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो एटम हाउस का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं एटम का, और एटम एक इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया हिस्ट्री ऑफ एटम के मुतालिक के एटम का वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। नाउ नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एटम, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेफिनेशन of atom. Atom की definition क्या है? The smallest particle of an element which may or may not exist independent and can take part in a chemical reaction. क्या बात बोल लिखी गई है? The smallest particle of an element. आप लोगों के पास element का सबसे smallest particle, जिसको जो अकेला रह भी सकता और नहीं भी रह सकता, मतलब इस definition के दो हिस्से हैं, इस definition के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा एटम अकेला रह सकता है और दूसरा हिस्सा एटम अकेला नहीं रह सकता, और इसके अलावा एक एटम उसकी एक इंडिविजुअली आइडेंटिटी है। एक एटम जो है रिएक्शन में अकेला पार्टिसिपेट कर सकता है। सो आप लोगों के पास यहां पर मतलब क्या है डेफिनेशन का, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो अकेला रह भी सकते हैं और अकेला नहीं भी रह सकता, और एक इंडिविजुअल एक एटम की इतनी हैसियत है कि वो एक केमिकल रिएक्शन प्रोसीड करवा सकता है, एक केमिकल रिएक्शन में अपनी पूरा रोल प्ले कर सकता है। अब यहां पे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। एग्जांपल्स यहां पे दो तरह की है। पहले केस में वो एग्जांपल्स हैं जिसमें एटम्स, वो वाले एलिमेंट्स के एटम्स जो अकेले रह सकते हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? अकेला एक एटम घूम रहा है कहाँ पर? हवा में, पानी में, मिट्टी में, इधर उधर वो अकेला एंजॉय कर सकता है, वो अकेला रह सकता है। लेकिन दूसरे केस में जो एग्जांपल्स हम लोग पढ़ेंगे वो उन एलिमेंट्स के एटम्स की हैं जो अकेले नहीं रह सकते, उसको किसी ना किसी के साथ अपना कॉम्बिनेशन शो करना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल can remain independent वो एलिमेंट्स के एटम जो कि इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, उसमें से जो पहला एलिमेंट का जो एटम है वो है हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये अकेले रहते हैं, ये बॉन्डिंग नहीं करते, अगर करते भी हैं तो बहुत ही कम, बहुत ही कम। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि इन एलिमेंट्स के एटम्स अकेले रह सकते हैं, इनको बॉन्डिंग की जरूरत नहीं है। इन सब एलिमेंट्स को हम लोग कॉल करते हैं नोबल गैसेस। क्या कॉल करते हैं इनको? नोबल गैसेस, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस, या आप कह सकते हैं कि ये आप लोगों के पास जो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं ये सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। सेल्फ सेटिस्फाइड मतलब अपने से ही खुश हैं, किसी के साथ इनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे केस में हम लोग एग्जांपल्स पढ़ते हैं, कैन नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट, कैन नॉट रिमेन इंडिपेंडेंट, वो एलिमेंट्स के एटम्स
जो कि इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन एटसेट्रा. दीज आर नॉट सेल्फ सेटिस्फाइड और ये अकेले घूम भी नहीं सकते इधर उधर. इनको किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बनाना ही बनाना है और जब बॉन्ड बनाएंगे उसके बाद ये जो है स्टेबल होंगे, अदरवाइज ये अकेले अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकते. दोनों में सिमिलैरिटी है और नहीं भी है. सिमिलैरिटी क्या है? इसका भी एक एटम और इसका भी एक एटम एक केमिकल रिएक्शन में पूरा किरदार अदा कर सकता है. और सिमिलैरिटी क्या नहीं है? सिमिलैरिटी ये नहीं है कि ये अकेले रह सकते हैं और ये अकेले नहीं रह सकते, लेकिन दोनों हैं. दोनों के जो आप लोगों के पास जो एटम्स हैं वो एक केमिकल रिएक्शन में पूरा का पूरा रोल प्ले कर सकते हैं. सो ये था आप लोगों के पास डेफिनेशन ऑफ एटम. नाउ द थर्ड पॉइंट इज एविडेंस ऑफ एटम. दैट कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एविडेंस ऑफ एटम, एविडेंस का मतलब क्या है? एविडेंस का मतलब है कि एटम का वजूद अगर है तो उसको देखा जा सकता है. सो बात ये है कि एटम को देखना बहुत मुश्किल है. द रीजन बिहाइंड इट इज दैट द साइज ऑफ एटम इज वेरी 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 स्मॉल और इतना स्मॉल है कि हम लोगों को ये देख नहीं सकता. आम आंख से तो देखना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है, लेकिन कुछ टेक्निक इस्तेमाल करके हम लोग इसकी एविडेंस के मुतालिक जान सकते हैं. पहली जो टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं वो है हमारे पास बस सिंपल माइक्रोस्कोप. सो एविडेंस से हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं. बाय सिंपल माइक्रोस्कोप. दिस सिंपल माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो नोन एज लाइट माइक्रोस्कोप. अच्छा बच्चों, बात ये है कि ये लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से या सिंपल माइक्रोस्कोप के ज़रिए से या तीसरा नाम ले सकते हैं ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप के ज़रिए से एटम को देखना इम्पॉसिबल. एटम को इससे बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता. पूछो क्यों? उसकी रीज़न ये है, इन लाइट माइक्रोस्कोप we use visible light. लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं विजिबल लाइट. विजिबल लाइट क्या है? ऐसी लाइट जिसमें हम लोग चीजों को देख सकते हैं. ऐसी लाइट जिसमें हम लोग वो चीजें देख सकते हैं वो क्या कहलाती है? विजिबल लाइट. और सिंपली जो व्हाइट लाइट हमें दिखती है वो हमारे पास क्या होती है? विजिबल लाइट होती है. अब जो विजिबल लाइट है इसकी जो वेव लेंथ है वो है 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली. आप लोगों के पास विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो कितनी है हमारे पास? वो जस्ट 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर है. और ये आप लोगों के पास जो विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है ये आप लोगों के पास एक एटम के साइज से बहुत बहुत बड़ी है. एटम का साइज बहुत छोटा है इससे, जिसकी वजह से इस रेंज के अंदर हम लोग एटम को नहीं देख सकते. अब बात ये है कि एटम का साइज कितना है? साइज ऑफ एटम और साइज ऑफ एटम के मुतालिक हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन लेंगे? उसके डायामीटर को देखते हुए. अब जो आप लोगों के पास एटम का जो डायामीटर है वो अप्रोक्सीमेटली डायामीटर ऑफ एटम, ये डायामीटर अप्रोक्सीमेटली 0.2 नैनोमीटर है. नाउ देयर इज अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन 450 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर एंड 0.2 नैनोमीटर. ये वैल्यू बहुत बहुत बड़ी, ये वैल्यू बहुत बहुत छोटी, जिसकी वजह से
आप लोग लाइट माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल के जरिए से एक एटम को नहीं देख सकते. सो सिंपल माइक्रोस्कोप यहां पर आप लोगों के पास क्या हो गया, फेल हो गया. अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को देखते हैं. बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के इस्तेमाल से हम लोग एटम की एविडेंस का कुछ ना कुछ आइडिया ले सकते हैं. इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वी यूज इलेक्ट्रॉन बीम, और इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेवलेंथ है वो एक एटम की साइज की वेवलेंथ की अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं बराबर है. लेकिन फिर भी इसकी डायरेक्ट एविडेंस क्या है बहुत बहुत मुश्किल है. आपकी बुक में एक स्केच बनाया हुआ है, वो स्केच है ग्रेफाइट का. इस स्केच के अंदर दो तरह के बैंड्स शो हुए हैं, डार्क बैंड्स एंड ब्राइट बैंड्स. कुछ इस तरह करके दो तरह के बैंड्स, डार्क बैंड्स एंड ब्राइट बैंड्स. बात यह है कि इसमें डार्क बैंड्स का क्या मतलब है और ब्राइट बैंड्स का क्या मतलब है. लिया क्या आप साइंटिस्ट ने किया क्या, ग्रेफाइट का एक पीस लिया, कार्बन का एक पीस लिया और उसको क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और कितना लार्ज करके देखा, 15 मिलियंस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. मतलब जितना ये साइज है इसको 15 मिलियन से किया उसने एक्सपैंड कर दिया और फिर इसको देखा. जब इसको देखा ना तो इसमें दो तरह के बैंड्स उसको दिखे, ब्लैक और वाइट. अब साइंटिस्ट ने कहा जो यहां पर वाइट बैंड आप लोगों के बने पास बनेगा, दीज आर द एटम्स ऑफ कार्बन. ये कार्बन के क्या है, एटम्स. और जो डार्क बैंड्स बना, एम्प्टी स्पेस. ये क्या है हमारे पास, एम्प्टी स्पेस. देखें बात ये है कि कैसे पता चला कि ये आप लोगों के पास जो ब्राइट बैंड्स हैं वो एटम्स ऑफ कार्बन है और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो आप लोगों के पास खाली हैं, उसमें कोई भी एटम नहीं है. द रीजन इज दैट एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन. What is excitation? आप लोगों के पास जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन की लेयर्स हैं और लेयर्स के दरमियान बहुत ही बारीक सा गैप है जिसको जस्ट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा गया. जहां पे गैप है वहां पे कार्बन का एटम नहीं है. अब इस माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इलेक्ट्रॉन बीम किसके ऊपर फॉल करती है, कार्बन के एटम्स के ऊपर फॉल करती है. इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूं फर्स्ट ईयर के लेवल तक ताकि आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए. जब इलेक्ट्रॉन बीम एटम के ऊपर पड़ेगी, एनर्जी एटम को मिलेगी, तो एटम का जो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी को गेन करके कहां चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में. लेकिन वापस उसने घर ही आना है ना, एटम के अंदर ही आना है. वो ही एटम क्या करेगा, उसी एनर्जी को रिलीज करेगा और दोबारा से कार्बन के एटम का हिस्सा बन जाएगा. अब जब वो कार्बन के एटम का हिस्सा बन जाएगा उससे पहले वो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और डैट एनर्जी विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ लाइट. और जो लाइट मिली वो ब्राइट बैंड हो गया और जहाँ पर ब्राइट बैंड है वहाँ पर सारे के सारे कार्बन के एटम्स हैं और जहाँ पर एम्प्टी स्पेसिस हैं वहाँ पर ना एक्साइटेशन ना डी एक्साइटेशन. तो वहां पर क्या रह गया आप लोगों के पास, ब्लैक बैंड. सो जो ब्लैक बैंड है वो आप लोगों के पास क्या, एम्प्टी स्पेसेस हैं. जो ब्राइट बैंड है वो आप लोगों के पास क्या, एटम्स ऑफ कार्बन. दिस इज ड्यू टू द एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, एक्सरेज वर्क. अब एक्सरेज टेक्नोलॉजी का क्या वर्क है एटम के अंदर वो डिस्कस कर लेते हैं.
एक्सरेज वर्क. जी, एक्सरेज के जरिए से एटम का जो डायामीटर है उसको मालूम किया गया. बाय एक्सरे स्टडीज जी, एक्सरे स्टडीज के अकॉर्डिंग जो एटम का जो डायामीटर है वो कितना है, 2×10⁻¹⁰ मीटर. व्हाट इज डायामीटर? जो एटम है वो एक सफियर है, लाइक अ सर्कल, लाइक अ सफियर. और सफियर की एक बाउंड्री से लेकर दूसरी बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस कहलाता है वो उसका डायामीटर कहलाता है. जो एटम का जो डायामीटर मेजर किया गया एक्सरे टेक्नोलॉजी के जरिए से वो कितना मेजर किया गया, 2×10⁻¹⁰ मीटर. नाउ इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इसके अंदर नैनोमीटर के अंदर. अगर आप लोगों ने मीटर से नैनोमीटर में जाना है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पर इस वैल्यू को 10⁻⁹ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में लिख देंगे एन और लिख देंगे एम, एन एम नैनोमीटर. नाउ इन दोनों वैल्यूज को आप लोग सॉल्व कर लें. जब सॉल्व करेंगे तो ये 10⁻⁹ हो जाएगा एंड दिस इज 2×10⁻¹⁰. 10 को आप लोग 2 से डिवाइड कर दें, आप लोगों के पास 0.2 नैनोमीटर के आ जाएगा इसका डायामीटर आ जाएगा. सही, तो ये एक्सरेज टेक्नोलॉजी के जरिए से हम लोगों ने एटम के डायामीटर के मुतालिक बात पढ़ी कि एटम का जो डायामीटर है वो कितना होता है, 2×10⁻¹⁰ मीटर या फिर 0.2 नैनोमीटर. लास्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है मैसेस ऑफ एटम्स, मैसेस ऑफ एटम्स. जो एटम्स के मैसेज हैं, मैसेज ऑफ एटम्स लाइज इन बिटवीन दिस रेंज, और वो रेंज क्या है, 10⁻²⁵ किलोग्राम टू 10⁻²⁷ किलोग्राम. दिस इज वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू, दिस इज वेरी वेरी, this is 10⁻²⁵ kilogram, -25, very very small value, and in between 10⁻²⁷. so jo atom ke jo masses honge wo 10⁻²⁵, so -25 se leke 10⁻²⁷ kilogram tak lie karte hain. agar aap log inko grams mein convert karna chahte hain to grams mein convert karna very very simple. aap kilo ki jagah just kya place karte hain 10⁻³, इधर भी किलो की जगह क्या प्लेस कर दे 10⁻³. सो अगर ग्राम्स में मेजर करना चाहते हैं तो 10⁻²⁵ इसको मल्टीप्लाई कर दें 10⁻³, 10⁻²⁷ और किलो को दोबारा से मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से. अब नाउ इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 10⁻²⁰ ग्राम टू 10⁻²⁴ ग्राम. अब ये हमारे पास एटम्स के मैसेज आ जाएंगे इन ग्राम्स में. एटम्स के मैसेज को हम लोग किलोग्राम्स या ग्राम्स में मेजर नहीं करते क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यूज हैं. इन छोटी वैल्यूज को डील करना जरा हमारे लिए प्रॉब्लम है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट सेलेक्ट किया हुआ है एटम्स के मैसेज को मेजर करने के लिए. दैट यूनिट इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास यूनिट. और उसमें आप लोगों के पास जो एटॉमिक मास यूनिट है 1 AMU, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1.66 1×10⁻²⁷ किलोग्राम. ये आप लोगों के पास AMU की वैल्यू है. सो हम लोग जो एटम्स के जो मैसेज हैं वो किलोग्राम से ग्राम्स में मेजर नहीं करेंगे, वो नॉर्मली किसमें इस्तेमाल करेंगे, AMU में. ये टॉपिक हमारा आगे पढ़ा हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास इसी चैप्टर का ही हिस्सा है, हम लोग उसको डिटेल से पढ़ेंगे. सो 1 AMU इक्वल टू 1.66 1×10⁻²⁷ किलोग्राम. नो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी कन्वर्टेड इन टू ग्राम्स. अगर इसको आप ग्राम्स में कन्वर्ट करना तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, किलो की जगह क्या आप प्लेस कर देंगे 10⁻³. तो 1 AMU इक्वलेंट है 1.661 10⁻²⁹ और 10⁻³, ये ग्राम्स में आ जाएगा. तो
अगर इसको सिंपलीफाई किया जाए तो 1 AMU सिंपली इक्विवेलेंट टू 1.661 इनटू 10 इज टू पावर -24 ग्राम्स. तो ये AMU की वैल्यू इस किस में आ जाएगी, ग्राम्स में आ जाएगी. और ऊपर वाली जो AMU की वैल्यू वो किलोग्राम्स में. ये कहां से वैल्यू ओरिजिनेट हुई इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका बाकायदा हम लोग प्रूफ करेंगे. स्टूडेंट इसके बाद आप लोगों के पास एक जो स्टूडेंट है नॉर्मली वो एटम के साइज के मुताबिक आइडिया लगा सकता है. अगर पेन की टिप से एक फुल स्टॉप लगाया जाए, पेन की टिप से एक फुल स्टॉप लगाया जाए, उस फुल स्टॉप के अंडर, उस फुल स्टॉप के नीचे तकरीबन आप कह सकते हैं कि कागज के 2 मिलियंस एटम्स होते हैं. 2 मिलियंस कितना होते हैं, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर, 2 मिलियंस 20 लाख के बराबर. सो एक फुल स्टॉप बहुत छोटी सी चीज़ है और फुल स्टॉप के अंदर भी कितने एटम्स आ गए, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख. सो ये हमारा जो टॉपिक है एटम का कंप्लीट हो चुका है. नेक्स्ट इंशाल्लाह कल.